नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो, हाँ, कौन? आप तो कुछ नहीं करते। मैं यादव मिश्रा, आवाज क्लियर नहीं आ रही। कौन कुशीनगर से यागवेंद्र मिश्रा, आवाज बताइए। आ रही? हेलो आवाज बोलिए। हाँ, आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। सर, आपका वो देखा है यूट्यूब नंबर लिया है, वहीं से तमाम तरह की बातें आ रही है। कही जानना चाह रहा था, 29 को ये जो घोषणा करने जा रही है, गवर्नमेंट बुला रही है रजिस्ट्रेशन और रसोइयों को, तो क्या उसमें शिक्षा मित्र भी सम्मिलित होंगे? क्योंकि मैं उम्र के 54 वर्ष पूरे कर रही है और दुर्भाग्य मेरा साथ नहीं छोड़ा है, हमने BEd होते हुए भी नौकरी नहीं मिली। तो आप क्या अनुदेशक हैं? नहीं सर, मैं शिक्षा मित्र समायोजित हुआ था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को बाहर कर दिया अच्छा, आप शिक्षा मित्र हैं जी। तो तो थोड़ा सा काफी पहले शिक्षा, ये। हाँ बोलिए। हाँ, पूरा निराशा का भाव आ गया है मेरे अंदर। स्कूल स्कूल अब जाना मैंने भी बंद कर दिया है, मैं आप बड़ा शिक्षा मित्र? प्रताड़ित कर नहीं दिया। नहीं एक मिनट एक मिनट, आप शिक्षा मित्र हैं और स्कूल जाना बंद कर दिए, समझे नहीं मतलब। बहुत कम जाता हूँ, अब बवाल हो गया था। मास्टर साहब लोगों से जो आए हुए हैं 72,000 वाले लोग, वो लोग बड़ा हेय दृष्टि देखते हैं हम लोगों को। कुछ ऐसे भी हैं विद्यालय जहाँ इस तरह की बातें होती हैं सर, तो या तो झगड़ा हो हा, नहीं तो किनारे हट जाया जाए अपनी दिनचर्या के लिए। तो नहीं मैं तो झगड़ा करना उचित नहीं समझा स्कूल जी। में जो भी लोग आए हैं, चाहे वो हे दृष्टि से देख रहे हैं या कुछ भी है, कुल मिलाकर जी के उनकी जो सैलरी है वो उनके खाते में आती है और आपके आपके खाते में आती है, तो फिर हे दृष्टि वाली बात कहाँ से आई? वो हर काम में, अगर कोई छोटा मोटा चाहे बड़ा काम है, न साथ बैठना है न कुछ करना है, हम लोगों का अटेंडेंस भी अगर रसोईया जो बनाती है उस पर बनवाते हैं, जबकि ऐसा कहीं रूल नहीं है, तो ये तमाम विसंगतियां रही। देखिए, थोड़ा तो सा खैर, हमें हम हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन फिर भी इतना कहेंगे कि जी सर, उनकी सैलरी उनके खाते में आती है और आपकी आपके, और आपका जो हेड है वो मास्टर जी लोग नहीं हैं, वो ऊपर के अधिकारी हैं। और रही बात अटेंडेंस कहाँ लगता है और जो भी चीज़ें हैं वो साथ में नहीं बैठते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई आपके साथ बैठना चाहे बैठे, ना बैठना चाहे ना बैठे, इस चीज़ पर ध्यान ही मत दीजिए। आप अपना काम सिर्फ कीजिए, और जो स्कूल वगैरह है जहाँ पर जो भी लोग होते हैं, चाहे वो रसोइयाँ हो या मास्टर साहब लोग हों या प्रिंसिपल हों या जो कर्मचारी अन्य होते हैं, तो ये पूरा एक जो सिस्टम होता है मिलजुल के काम करने का होता है। तो खैर, वो लोग नए हैं, अभी नई उम्र के होंगे, तो ऐसा उन लोगों को हाँ नहीं करना चाहिए। और ठीक है बिल्कुल भाई। सर, हमारे उम्र में उनकी उम्र में बहुत अंतर है, उनके बराबर मेरे बच्चे हैं। तो आप अगर अब स्कूल नहीं कभी कभी जाते हैं तो आप इस चीज हाँ, को जाता हूँ, महीने में 10 दिन जाता हूँ सर, बहुत साफ हिसाब बोल रहा हूँ। नहीं तो हमारा आपसे ये कहना है कि आप जो है, अब अगर छुट्टी है तो कोई बात नहीं, अगर छुट्टी नहीं जी है तो आप डेली स्कूल जाइए और इन चीजों पर ध्यान न दीजिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि आगे जो जी होने जा रहा है, अगर ऐसे ही आप जी जी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तो यही सर, मैं इसीलिए आज देखा हूँ आपका वो एक यूट्यूब मिला है, मैं तो इससे बहुत दूर हो गया था, बहुत मतलब मानसिक प्रताड़ना से गुजरा, क्योंकि तब परिवार से रहा हूँ और हमारे उम्र के बच्चे पढ़ा रहे हैं और वो इस तरह से बिहेव करते हैं, तो लगता है कि इससे बढ़िया है कि अपना खेती बाड़ी कोई और काम शुरू किया जाए। देखिए, लेकिन बस आप जो है एक चीज माइंड में रखिए कि आपको जो भी तनख्वाह मिल रही है वो अपने घर से वो लोग नहीं देते हैं, सरकार देती है, ठीक है? सरकार देती है सर, यही एक और प्रश्न है। आप कोई वहां पर जो है कुछ अवैध या अनर्गल कोई काम नहीं करने जा रहे हैं, आप शिक्षा देने के लिए वहां पर रखे गए हैं, आप वही काम कर रहे हैं जिस लिए सरकार ने रखा है आपको, और सरकार ने रखा है आपको, उन लोगों ने नहीं रखा है। और जो टाइम है सुबह का स्कूल का, उस टाइम से 10 मिनट पहले जाइए, और जो शाम का टाइम है जितने बजे तक रुकने का है उसके 10 मिनट बाद आप वहां से निकलिए,
कोई अगर बात करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो भी अच्छी बात है। बात करेंगे लोग तो आप अनुभवी हैं, आपके अनुभव से उनको कुछ न कुछ नया सीखने को ही मिलेगा, जानने को मिलेगा। अगर नहीं बात करते हैं तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। आप उन लोगों पर ध्यान ही मत दीजिए, आप बस ये ध्यान दीजिए कि वो जो आपकी जी ड्यूटी है आप अपनी ड्यूटी कीजिए। जो भी महीने में 10,000 12,000 जो भी गवर्नमेंट अब दे रही है उस पर आप ध्यान दीजिए कि हाँ मिल रहा है। अगर आपका उसमें सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, नहीं आप अगर और कुछ कर रहे हैं या कर सकते हैं तो वो भी करते रहिए, लेकिन इन चीजों पर ध्यान न दीजिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग जो है कुछ भी नहीं है, आप ही के समान हैं, आपसे बल्कि जूनियर हैं। तो इन लोगों को छोड़ दीजिए, वो नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, आप अपनी ड्यूटी कीजिए बस। और जैसा आपने बताया कि 29 तारीख कल है, और जी जी कल जो है बुलाया गया, किसको किसको बुलाया गया है? वो देखा हूँ पेपर वगैरह में आया है, लेटर जारी हुआ है, व्हाट्सएप वगैरह पर चल रहा है। अनुदेशक और रसोइयों को बुलाया गया क्या है, आपके पास उनका वो पेपर पेपर कटिंग है? कटिंग नहीं, वो जो बुलाया गया है, आदेश जो जारी हुआ है उसका व्हाट्सएप पर है, कहिए तो सेंड कर दें। अभी बात करते करते सेंड कर सकते हैं तो कीजिए, हम भी एक बार देखना चाहते हैं। बहुत अनुभव तो नहीं है मोबाइल चलाने का, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ सर। तो हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर भी है? अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी नंबर पर है। तो फिर ये तो नंबर मुझे सेव करना पड़ेगा, तब ना जा पाएगा। 1 मिनट, आपका नंबर हम सेव करते हैं, आपको हम एक मैसेज करते हैं, जी तो सर, जी। बस 1 मिनट। आप कुशीनगर से हैं ना? जी तो आपने अपना नाम क्या बताया? राघवेंद्र मिश्रा नाम है सर। ओके। चलिए, हमने नंबर आपका सेव कर लिया और हम आपको एक मैसेज कर रहे हैं। आप अपना व्हाट्सएप खोल लीजिए। जी सर, ये दो आदेश पारित हुए हैं, अच्छा एक अच्छा उसको वहां बुलाए जा रहे हैं और एक रसोइया और अनुदेशकों को कोई योजना के अंतर्गत 29 तारीख को देखिए, संवाद हमने कार्यक्रम भी स्थापित कर हमने रहे हैं। आपको मैसेज किया है, हेलो लिख जी सर, करके, जी आप हमें दे दीजिए इस पर, थोड़ा जी जी एक बार हम भी पढ़ लेंगे तो फिर इस पर चर्चा करना थोड़ा सही होगा। जी एक तो तुरंत मैंने सेंड किया, एक और आ देखता गया आ हूँ गया, अभी। एक और है, दूसरा। ये तो संवाद स्थापित करने वाला है, एक और अच्छा दिखाता अच्छा हूँ। कहाँ गया? तो ये मैं जानना चाहता था सर कि क्या कुछ ये गवर्नमेंट की मंशा है हम लोगों के प्रति की, हाँ हाँ पूरी बिल्कुल तरह से। बिल्कुल, अभी जी हम ये लेटर पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 29 को बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों के मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्यरत जो रसोइयां हैं और परिषदीय हाँ जी विद्यालयों जी के अंशकालिक अनुदेशकों से संवाद कार्यक्रम को अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक जी कन्वेंशन सेंटर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में प्रातः 10 बजे आयोजित किया जाना सुनिश्चित हुआ है। अच्छा, इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण YouTube और दूरदर्शन के माध्यम से किया जाएगा। आपसे अपेक्षा है कि उक्त कार्यक्रम के लाइव प्रसारण को जनपद मुख्यालय BRC स्तर पर तथा विद्यालयों एवं शिक्षकों छात्र छात्राओं को दिखाने हेतु समुचित व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। ये जी देखिए, कुछ अब उनका जो भी उद्देश्य है स्पष्ट इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन ये लाइव हाँ, प्रसारण करा रहे हैं, बच्चों को दिखाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये भी बताया जा रहा है नेताओं द्वारा हमारे, कि उस दिन इनकी घोषणा होनी है। वो एक चिट्ठी है, हम खोज रहे हैं उसको, जल्दी से गायब भी हो जाता है नेट से, जानते हैं बहुत, मैं फेसबुक पर रहता नहीं हूँ। तो आज कल जिज्ञासा थोड़ी सी बढ़ी थी, और आपका जो ऑडियो मैंने सुना है वो यूट्यूब के माध्यम से, तो बहुत लोग डालते हैं, लेकिन उसमें आपका सर जवाब नहीं है।
जितने सिस्टमेटिक ढंग से बात आप रखते हैं और देखिए, उतने लॉजिक होती है। हम ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति हीन भावना रखते हैं नहीं या नहीं कुछ। बिल्कुल सर, हम आप जो किसी है का बात विरोध करते नहीं हैं, करते हैं, क्योंकि आपका जो है वो आपका है, हमारा जो है वो हमारा है, ना आप हमारा कुछ ले माना रहे जाए हैं ना हम बिल्कुल आपका ले रहे हैं, तो चर्चा बिल्कुल करने सर, में क्या क्या जाता है। और जाता है बिल्कुल। हमारे कह देने से आप कोई चीज करने वाले नहीं हैं और आपके कह देने से हम करने वाले नहीं। हाँ, हम तो चर्चा करेंगे कि क्या चल रहा है, कोर्ट ऑर्डर अगर कोई आया है तो कोर्ट, उस कोर्ट ऑर्डर में क्या है, स्थिति परिस्थिति क्या थी, अभी स्थिति परिस्थिति क्या है, सरकार क्या प्लानिंग लेके चल रही है। हम हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं, हर किसी से मेरी बात होती है और वही बातचीत हम वहां डाल देते हैं। अब जिसको समझ में आता है तो वो सुन रहा है, कुछ लोग हैं एकदम परेशान हो गए हैं, उनको लगता है ये सब फालतू चीजें हैं तो वो समझना ही नहीं चाहते हैं। भाई, हम किसी को कुछ न दे रहे हैं ना किसी से मांग रहे हैं, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको इस चर्चा से कुछ चीजें आसान हो रही हैं समझना, तो आप लाभ में हैं, सुन रहे हैं लोग। नहीं समझ में आ रहा है जी तो जो होना है वो तो होगा ही। तो होगा ही फिलहाल जो लेटर आपने दिया है, जी इस लेटर को पढ़ने के बाद इतना समझ में आ रहा है इस लेटर के माध्यम से कि बहुत कुछ जी विशेष घोषणा जो है नहीं होने वाला है, हाँ क्योंकि हाँ ये जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया है इसका वो प्रसारण करवा रहे हैं, बच्चों को भी दिखाने की बात कर रहे हैं, जी तो वहां पर जो भी होगा कुछ नया लेकर के आ रहे होंगे स्कूलों के लिए, हो सकता है, या कुछ स्कूलों में नया कार्यक्रम शुरू करने वाले हों, या मतलब एजुकेशन सिस्टम से संबंधित वहाँ कुछ बातचीत होगी। वहाँ पर जी रसोईया को जो मानदेय वगैरह मिलता है वो, या अनुदेशक जो है मानदेय वगैरह उनको जो मिल रहा है, जी हमें नहीं लगता कि इस तरह की कोई घोषणा वहाँ होने वाली है, बहुत मतलब ये कुछ सब ऐसा नहीं। हवा हवाई ही है। जी बाकी अब अपने हिसाब से कोई कुछ भी कहता रहे वो अलग चीज़, इस लेटर में इस तरह की कोई जिक्र नहीं की गई है। और जब जी भी मानदेय वगैरह या बढ़ाने या स्थायी करने की बात होती है तो इस तरह के जो है प्रोग्राम नहीं रखे जाते हैं। अच्छा जब भी मानदेय वगैरह बढ़ाना होगा तो गवर्नमेंट अपना कोई रखेगी कार्यक्रम कि मीडिया को बताना है, टीवी पर बताना है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आएगा सामने, या फिर बजट जी बजट जब चल रहा था तो उसमें जो कुछ घोषणा हुआ तो वहां पर है, तो वो तो ऑफिशियल जी चीजें हैं, उसका तरीका क्या है मंत्री जी बताएंगे या कोई अधिकारी बताएगा, घोषणा करेगा या लेटर जारी होगा, उस तरीके से होता है। यहाँ बुला करके एक और हॉल के अंदर और कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका लाइव प्रसारण कर रहे हैं, तो वहाँ इस तरह एक की और मैंने सर, एक और मैंने आपके पास डाला है। हेलो, देखते हैं। हाँ जी, ये प्राइमरी स्कूलों के रफी अंगों का मानदेय बढ़ोतरी का उपहार सीएम करेंगे ऐलान, जो भी हानि ये हुई है। एक जी आपने जो दिया है ये एक वेबसाइट जी है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है, वो हमारे आप जैसा कोई व्यक्ति ने बनाया है, ठीक है। जी जैसे मान लीजिए दैनिक जागरण अखबार है, हिंदुस्तान अखबार है या अन्य कोई अखबार है, जी तो उसका मालिक जो है वो जो चाहे वो छाप सकता है, लिख सकता है, वो अच्छा लिखने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे ही ये जी वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, जिसने बनाया है वो अपने हिसाब से कोई चीज लिख रहा है या उसको कहीं से कोई जानकारी कुछ मिली है वो लिख रहा है, लेकिन 100% दावा ये नहीं कर सकता कि ये होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा 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 ये नहीं, डेली जैसे हंड हमने देखा है तो ये जिज्ञासा उठी है और आपका मिल गया वो नंबर, तो हम सब समझे हैं कि सबसे बेहतर ऑप्शन आप हैं कि जो सिस्टमेटिक ढंग से इस बात को रख सकते हैं कि इसमें सीधे लिखा है कि रसोईया व अनुदेशक को अब मानदेय बढ़ोतरी का उपहार तो ये सीएम योगी अभी करेंगे अभी ना। अनुपूरक बजट आया था तो उसमें तो घोषणा हुआ है जी ना कि किसका किसका मानदेय बढ़ रहा है, अभी तो हुआ है ना जी घोषणा, तो बहुत जी होगा। हो सकता है उस पर वहां पर फिर से कोई चर्चा हो या वहां पर फिर से ये बात रख दी जाए, तो वो तो ऑलरेडी हो जी चुका है, अनुपूरक बजट पास हो चुका है, अखबार में भी आया था कि किसका कितना कितना जी मानदेय बढ़ेगा। शिक्षा मित्र का जो है 2000 है, अनुदेशक का शायद जी 1500 है, रसोईया का भी शायद ऐसे ही कुछ है। हाँ, तो उसमें ये भी बात आई कि सरकार की तरफ से ये अभी पुष्ट नहीं है, तो इसमें ये लिख रहे हैं ना सरकार की तरफ से पुष्टि नहीं है, तो ये अपने तरफ हाँ से ये लिख कुछ रहे हैं। लोग ऐसे लिख करके डाले इस पर कि सरकार की तरफ से ये अभी पुष्ट नहीं देखिए, है। इनका जो अंतिम लाइन है ये लिख रहे हाँ हैं, ऐलान हो सकता है, ये शब्द जो है हो सकता है स्पष्ट कर रहा है कि ये संभावना व्यक्त हाँ कर रहे हैं, तो ये अपने तरफ से इन चीजों पर बात कर रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से होगा कि नहीं होगा ये कल ही पता चलेगा। और सबसे मुख्य बात, ये जो चीज लिख रहे जी हैं कि इनका इतना बढ़ेगा मानदेय, तो मानदेय जी जी वृद्धि की बात जो अनुपूरक बजट आई है अभी
उसमें तो स्पष्ट हो गया है कि किसका अगर बढ़ेगा तो किसका कितना बढ़ना है। शिक्षा मित्र का 2,000 बढ़ना है, जी 2,000 से 3,000 अब नहीं देने वाली है गवर्नमेंट, बढ़ाने वाली है। जो 10,000 है, हाँ 2,000 बढ़ा रहे हैं तो 12,000 करेंगे। 13,000 की तो बात अभी कहीं कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है। कल अगर बोलेंगे भी तो वही 2,000 की बात आएगी कि 2,000 बढ़ा रहे हैं, वही चीज फिर से रिपीट होगा। अनुदेशकों का जो भी बातचीत हुआ होगा वहां पहले उसमें अनुपूरक बजट में वही रहेगा। रसोइयों का 500 का अगर रहा होगा, 500 या 1,000 जो भी, तो वही चीज कल भी रिपीट किया जाएगा। तो कल कुछ भी मानदेय से संबंधित या अस्थायी नियुक्ति से संबंधित कल कुछ भी नहीं होने वाला है स्पेशल। अगर ये मानदेय बढ़ाने की घोषणा करते हैं तो इसका मतलब तब नियुक्ति ये अभी आधार में लटक जाएगी फिर। नहीं, नियुक्ति एक अलग चीज है और मानदेय एक अलग चीज है। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए आप कोई बड़ा काम करने वाले, मान लीजिए आप जो है 4 चक्का खरीदने वाले हैं गाड़ी, ठीक है, मान लेते हैं, और आपने प्लान कर रखा है, लेकिन आपको ये भी पता है कि मेरे बेटे को जो है एक जो है मोटरसाइकिल की भी जरूरत है, ठीक है, आप घर के लिए, घर के सदस्यों के लिए 4 चक्का भी खरीदने का प्लान किए हैं, लेकिन आपको लगा कि नहीं मेरे बेटे को स्कूटर की भी या मोटरसाइकिल की भी जरूरत है। अब मान लीजिए आप अपने बेटे की जरूरत को देखते हुए, उसकी डिमांड को देखते हुए एक स्कूटर या मोटरसाइकिल ले आते हैं, तो क्या है? अब इससे उम्मीद किया जा सकता है कि अब जो है 4 चक्का घर में आएगा ही नहीं? नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, बड़े नहीं, संख्या वो भी से आ आएगा। सकता है, ये भी, ये आ गया तो वो भी आ सकता है। तो वो जो प्लान है 4 चक्का लाने का वो तो है ही है, उनका प्लान हुआ कि भैया चलो स्कूटर भी ले आते हैं, तो स्कूटर भी ले आए, मोटरसाइकिल भी ले आए। तो वैसे ही ये राज्य सरकार, चूंकि इतने धरना वरना चल रहे हैं, डिमांड हो रही थी, तो वो लेकर के आ गए कि चलो भाई मानदेय बढ़ा देते हैं हम, ठीक है, ये राज्य सरकार का। बाकी हम जितना भी बताते हैं वो सब जो कुछ भी है वो केंद्र सरकार की तरफ से है। और अच्छा, ये घोषणा होगा तो केंद्र की तरफ से होगा। अभी आपने उदाहरण के स्वरूप देख लीजिए कि आपने देखा है कि अभी हाल ही में कुछ ही महीने हुए हैं, 6 महीना लगभग, कि टीटी जो है आजीवन किया गया, ठीक है। इसकी घोषणा अगर आपको याद हो तो हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं उस वक्त जो थे, रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने सबसे पहले किया, ठीक है। हेलो, हाँ सर, कट गया है, पता हाँ, नहीं कट गया क्यों। था। हम आपसे कह रहे थे कि अभी कुछ ही जी महीने पहले टीटी हुआ है आजीवन, ठीक जी है, आप भी देखे हैं, जून में हुआ था। तो आपने जी नोटिस किया होगा अगर, तो इसकी घोषणा जो हुई, हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री उस वक्त थे रमेश पोखरियाल जी, जी वो आते हैं जी मीडिया के सामने, इसकी घोषणा करते हैं। उनके घोषणा जी करने के 2 दिन के बाद एनसीटीई एक लेटर जारी कर देता है। एनसीटीई लेटर जारी करने के करके लाइफ टाइम का, फिर एक और लेटर जारी करता है कि राज्य जो है वो भी अपने यहाँ लाइफ टाइम करें, ये राज्य को निर्देश देता है। और जी निर्देश जब देता है तो उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, हर राज्य से इस तरह के लेटर जारी होते हैं। बिहार ने भी किया, उत्तर प्रदेश ने भी किया, और फिर राज्य जी सरकार ने लेटर जारी करके अपने यहाँ भी घोषणा कर दिया कि जो है टीईटी लाइफ टाइम कर दिया गया है, और वही पुराना ही जो सर्टिफिकेट है वही वैलिड रहेगा, नया सर्टिफिकेट, नया कागज नहीं दिया जाएगा, वही वैलिड माना जाएगा। जी तो ये जो प्रक्रिया आती है, पहले केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी घोषणा करते हैं, फिर एनसीटी लेटर जारी करती है, उसके बाद राज्य सरकार घोषणा करके लेटर जारी करती है। क्योंकि जो भी जी योजनाएं होती हैं बड़ी, या जो भी बड़ा बदलाव होता है, उसको करने का अधिकार राज्य के पास नहीं होता है। शिक्षा में समायोजन जी रद्द हुआ उसका मुख्य कारण यही बना था कि राज्य ने मनमानी किया था, गलत तरीके से किया था, इस कारण से जी वो चैलेंज हुआ और रद्द हो गया। अगर वही चीज केंद्र सरकार के अनुमति से होता और एक पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई होती तो वो रद्द न होता। तो जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा सिस्टम जो है, वो यही है कि बिना केंद्र की अनुमति के राज्य के पास कोई अधिकार है ही नहीं करने का कुछ भी। जी जब केंद्र उनको जिस चीज की अनुमति देगा वो चीज वही तब कर सकते हैं, अन्यथा सर्वे सर्वा जो है वो केंद्र है। राज्यों को कुछ जी अधिकार केंद्र ने दे रखे हैं तब वो कर पा रहे हैं। अगर वो अधिकार भी केंद्र ले ले तो राज्य कुछ न कर पाए। उदाहरण स्वरूप दिल्ली का ले लीजिए, अपने यूपी में तो यूपी पुलिस जो है उसके मुखिया जो है हमारे सीएम होते हैं, वो जो कहेंगे यूपी पुलिस को करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली में क्या है, क्या केजरीवाल के अंडर में आता है वहां का पुलिस? नहीं। नहीं, वो तो वहां पे गवर्नर देखते हैं। तो वही चीज है कि केंद्र सरकार जहां जो सिस्टम बना देगी, वहां जो अधिकार दे देगी, उसी अनुसार चलेगा। तो केंद्र ही सर्वे सर्वा है,
इसी का परिणाम जो है आज शिक्षा में इतना परेशान है, उसका कारण यही है कि राज्य सरकार ने इन चीजों को अनदेखा करके जानते हुए बूझते हुए सब कुछ गलत किया। उन्होंने केंद्र से अनुमति नहीं लिया और सारी प्रक्रिया का फॉलो नहीं किया। तो कुल मिलाकर के ये घोषणा जो भी हम बताते हैं सब कुछ लिखित में है, नई शिक्षा नीति में सब लिखा हुआ है क्या क्या गवर्नमेंट करने वाली है। समग्र शिक्षा अभियान में सारे प्लानिंग करके चले हुए हैं, अभी 3 लाख करोड़ का बजट भी पास हुआ है और वर्ल्ड बैंक से पैसा और मंगाया भी जा रहा है स्कूलों में और सुविधाएं बढ़ाने के लिए। पहले की तुलना में स्कूलों में जो भी बिजली पानी फर्नीचर या बिल्डिंग वगैरह बाउंड्री वाउंड्री परिवर्तन आप खुद ही देख रहे होंगे, कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ होगा, कुछ क्या काफी कुछ हुआ है परिवर्तन। तो और पैसा मंगाया जा रहा है और परिवर्तन किया जा रहा है और साथ ही जो है हर स्कूल में हर कक्षा में एक शिक्षक देने की योजना के जो तहत ये घोषणाएं होने जा रही हैं। प्री प्राइमरी भी आप देख रहे हैं, आंगनबाड़ी को चली रहा है, कन्वर्ट किया ही जा रहा है, प्री प्राइमरी शुरू किया जा रहा है। स्कूल जो कि आंगनबाड़ी अलग था, प्राइमरी अलग था, जूनियर अलग था, इनको कंपोजिट स्कूल बनाया जा रहा है, एक साथ मर्ज किया जा रहा है। तो ये पूरा सिस्टम ही नए तरीके से चेंज किया जा रहा है कि जो गड़बड़ियां हैं उन गड़बड़ियों का मूल कारण क्या है उस पर काम किया जा रहा है कि सारी गड़बड़ियां ऐसे खत्म करते हुए ऐसा सिस्टम बनाया जाए जैसे केंद्रीय विद्यालय अच्छे से चल रहे हैं, जैसे नवोदय विद्यालय अच्छे से चल रहे हैं, ऐसे ही अन्य जो भी योजनाएं हैं राज्य के विद्यालय या अन्य जो भी वो भी अच्छे से चले। तो पूरा सिस्टम ही चेंज किया जा रहा है। तो आपके साथ जो भी है उन चीजों को थोड़ा सा आप इग्नोर कर दीजिए, इस विद्यालय में कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। आप डेली जाइए, अपना जहां भी सिग्नेचर हो रहा है डेली अपना सिग्नेचर आप बनाइए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, समय से 5-10 मिनट पहले जाइए, समय जब पूरा हो जाता है उसके 5 मिनट 10 मिनट बाद आइए, सबसे अच्छे से बोलिए, बात करिए, अपनी तरफ से आप कोई कमी नहीं छोड़िए। वो लोग अभी नए नए हैं, अभी उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, अभी वो अनुभवी नहीं है, इस वजह से इस तरह की चीजें कर रहे होंगे। समय के साथ सब बदल जाएगा, उन लोगों को इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए उनको, कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, आप अपने काम पर बस ध्यान दीजिए, जी सर, मतलब बस इस जल्दी। उम्मीद के साथ कि समायोजन में हम लोगों का पुनः हो जाएगा। 101%, 1% कम नहीं बल्कि 1% ज्यादा रख लीजिए आप, 101% कंफर्म है कि होगा ही होगा, 1% भी डाउट नहीं है, क्योंकि ये चीजें प्लान में हैं, इस पर काम चल रहा है, ये सारी हाँ चीजें जी, नई पर से शिक्षा भरोसा नीति हो में गया सर। हैं। सुपर टेट में 95 नंबर लाया इस उम्र में, और 4 क्वेश्चन मेरा जांच नहीं हुआ, हाईकोर्ट गया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, चारों सही था। पीछे पीछे जो हो गया है तकलीफ तो होती है याद करके सोच करके, लेकिन अब उस पर ध्यान न दीजिए। अब ये होने जा रहा है सारे शिक्षा मित्र अस्थायी हो जाएंगे, जो भी चलिए टेट सर, आपके मुंह में घी चक्कर। 100% ये कंफर्म है होगा ही होगा, इसमें कोई इफ बट है नहीं। और 2021 में उम्मीद थी, मान लेते हैं 2021 में नहीं हुआ जो भी योजनाएं उनकी हैं, लेकिन ये मान चलिए कि 100% ये 2022 जो है इसी में होगा। फिलहाल चुनाव अभी आ गया है और चुनाव टलने वाला है, हाई कोर्ट ने कहा था, लेकिन अभी चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं चुनाव नहीं टालेंगे, लेकिन टलेगा ही टलेगा, ये मानकर चलिए कंफर्म है चुनाव टलना। और चुनाव से चाहे पहले नियुक्ति कंफर्म हो जाएगी। हाँ ये जो चुनाव अगला होना है उससे पहले कंफर्म है शिक्षा मित्र का भी हो जाएगा परमानेंट, प्री प्राइमरी में भी जिनको ले जाना है वो प्री प्राइमरी में, और जो टेट पास सी टेट पास है वो प्राइमरी में, और जो अन्य बचे हुए बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, जो भी विवाद है वो सारे विवाद खत्म करते हुए सरकार 2011 से 2018 तक के जितने भी टेट सी टेट पास हैं सबको स्थायी नियुक्ति प्राइमरी में देगी। ये कुछ ही समय में सामने आ जाएगा सब कुछ। ये जो कार्यक्रम वगैरह चलाए जा रहे हैं, बार बार बुला करके लोगों से बातचीत की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि किसके माइंड में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, सरकार बस बार बार यही जानना चाहती है कि ये लोग क्या क्या सोच रहे हैं, इसीलिए तरह तरह की बात, ताकि आपके मन की बात जान करके वो जो भी अपना अंदर बना रहे हैं सिस्टम जो प्लान किए हैं उसमें अगर कहीं कोई चीज छूट रहा हो तो उसको भी वो शामिल कर लें। नहीं तो सब होना तय है, अंदर सारा पेपर वर्क हो चुका है, घोषणा का इंतजार है सिर्फ। कोर्ट ने कहा था 2 मौके दिए जाएं, 2 मौके हो गए पूरे, अब राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा है, केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ा है, राज्य और केंद्र सरकार इसको पूरा करने जा रही है, इसीलिए आप लोग को अच्छा अभी तक कहीं बाहर निकाला नहीं गया है, सारे शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं वैसे ही, क्योंकि अस्थायी जी होना है तो अस्थायी, क्योंकि संविदा खत्म करना है तो संविदा खत्म करने जी का ऑप्शन 2 ही है, अस्थायी कर दें निकाल दें, तो निकालने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्होंने प्लान किया है अस्थायी करने का,
वो गुस्सा होना, जी तो धैर्य रखिए, बस थोड़ा सा जो नेगेटिव चीजें हैं उसको माइंड से निकाल दीजिए, नेगेटिव लोगों का नेगेटिव चीज देखना छोड़ दीजिए, उनको इग्नोर कर दीजिए, करने दीजिए जो जो कर रहा है, आप अपने काम से काम रखिए, जो पीछे बीत गया उसको छोड़ दीजिए, अब आगे की ओर देखिए जो आगे होने जा रहा है। ठीक ठीक सर, ठीक है ठीक सर, ठीक बहुत सुंदर। ठीक सर, आज आपने बात करके पूरा आत्मबल नए ढंग से जनरेट हो गया। जी देखिए सबसे मेन होता है जानकारी, और जानकारी में भी सही जानकारी, एक ही चीज को कई तरीके जी जी से बताया जा सकता है, एक ही बात को कई नहीं, तरीके से आपकी कहा जा जानकारी सकता बहुत है। अच्छी लगी। हाँ तो बस हम वही चीजें बात करते हैं जो सही है और जेन्युइन है। ठीक सर, आप जी सर, बिल्कुल आपसे रूबरू बात करके एकदम कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया सर। हाँ, ठीक सर जी, और चलिए। बहुत अच्छा लगा। जैसे ही हो जाता है सबसे पहले मैं आपको कॉल करूंगा और बिल्कुल प्रयास करूंगा बिल्कुल कि अगर आप नजदीक में हो तो मिलकर एक बार एक प्याली चाय आपके साथ पीने की तमन्ना रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब कभी भी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना हो बनारस आइए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी कीजिए, मुलाकात भी होगी, स्वागत। बनारस के रहने वाले हैं जी, तो बनारस तो मेरा प्रोग्राम लगा हुआ है सर, बहुत जल्द मैं 5 तारीख को संभवतः बनारस में आऊंगा। जी तो आइए, बिल्कुल स्वागत है। हाँ, तो नंबर मेरा सर सेव कर ही लिए हैं और मैं भी आपका नंबर सेव कर ले रहा हूँ पीके सर के नाम से, ठीक है, और ईश्वर चाहेंगे तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में आपसे एक मुलाकात जरूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा सर, हमें भी शुभ अच्छा लगा आपसे संध्या। बात करके, काफी शिक्षा में तो परेशान है, बराबर बात होती रहती है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो सारी चीजें होनी है जल्दी से घोषणा हो जाए, सारी चीजें हो जाए, सबको राहत मिल जाए, जी जी काफी लंबा संघर्ष सर, और और इंतजार हुआ। आप भी शिक्षा मित्र हैं कि नहीं ये नहीं बीएड वाले हैं? हम बीएड हैं, और वही जो बीएड टेट 2011 और जो 72,000 भर्ती थी उसमें हम भी रहे हैं, तो अभी हम जी, उसमें नहीं हुआ है, तो उस समय के हम भी हैं उस भर्ती वाले। अरे उस 2011 वाले में हमने वो ट्राइया नहीं किया सर, वो टेट के लिए है चलिए अब पीछे वाला छोड़ दीजिए, ना, पीछे का, अब आगे की ओर ध्यान दीजिए कि वो होने जा रहा सब है। गड़बड़ हो गया, कि तो हो गया होता। चलिए ठीक है चलिए सर सर, जी, ठीक है, फिर ठीक हाँ फिर बात होगी, अभी रखते हैं। है सर, ओके, थैंक यू, ठीक, नमस्कार। नमस्कार सर।